नमस्कार, 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग जी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मॉर्निंग जी का मतलब आप जानते हैं, उन तमाम खबरों से हम आपको बाखबर करेंगे पूरी डिटेल में जो अब तक की बड़ी खबरें हैं और आज दिन भर जिन पर अपडेट्स होंगी। और सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि बगदाद में लगातार दूसरे दिन अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। इराकी पुलिस का दावा है कि 6 लोग इसमें मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी की हत्या ईरान के साथ विवाद बढ़ाने के लिए नहीं की गई। ट्रंप का कहना है कि सुलेमानी अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और लंदन में आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को भी कासिम सुलेमानी से मदद मिल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। इस बीच खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद खाड़ी देशों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ गुरुद्वारे को घेर कर सिखों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और उन्हें पाकिस्तान से भगाने की धमकी दे रही है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में शुक्रवार को सैकड़ों की भीड़ ने सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर पत्थरबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब प्रांत के इस गुरुद्वारे को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। इस्लाम कल भी जिंदा थी, इस्लाम आज भी जिंदा है। वायरल वीडियो में भीड़ सिखों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और उन्हें पाकिस्तान से भगाने की धमकी देते दिख रहे हैं। वीडियो में सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम ए मुस्तफा कर देने की भी धमकी दी जा रही है। इस हंगामे की वजह से पहली बार गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब में भजन कीर्तन को रद्द करना पड़ा। कट्टरपंथियों से मिली धमकी के बाद ननकाना साहिब का सिख समुदाय खौफ में है। इस भीड़ का नेतृत्व पिछले साल ननकाना साहिब की एक सिख लड़की जगजीत को अगवा करने और जबरन धर्मांतरण कर निगाह करने के आरोपी मोहम्मद हसन का परिवार कर रहा था। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कोई नई बात तो है नहीं। भारत समय समय पर मामले को उठाता आया है। एक बार फिर से भारत ने इमरान खान से सिख समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब में सिखों पर अत्याचार पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से सिखों की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो इमरान खान से पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा पर बात करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार का ये फेलियर ये साबित करता है कि जो उन्होंने करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला है वो एक लिप सर्विस की है। एक्चुअली वो मिनोरिटीज और स्पेशली सिखों में इंटरेस्टेड नहीं है। ननकाना साहिब पर हमले के विरोध में सिख समुदाय आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। दिल्ली से शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिख समुदाय के बीच दहशत का माहौल है और कई पाकिस्तानी सिख उन्हें फोन कर अपना डर जता रहे हैं। वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं सिखों को पाकिस्तान से बाहर निकालो, ननकाना से बाहर निकालो, और ये भी कहा जा रहा है कि ननकाना साहिब का नाम जो है वो बदल कर जो उनके कोई धार्मिक गुरु उनके नाम से किया जाए और सिखों को
वहां से बाहर निकालने की, उन परिवारों के घरों में जाकर धमकियां दी जा रही हैं। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम में पाकिस्तान किस कदर लगा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि खुद उसके प्रधानमंत्री भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। इमरान खान ने भारत के खिलाफ झूठा वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। जबकि इमरान खान ने जो वीडियो ट्वीट किया वो करीब 7 साल पुराना बांग्लादेश के हिंसा का है, इससे भारत का कोई संबंध नहीं है। वीडियो में इमरान खान जिन्हें यूपी पुलिस के जवान के तौर पर बता रहे थे, उनकी वर्दी पर साफ साफ आरएबी लिखा हुआ देखा जा सकता है। आरएबी बांग्लादेश पुलिस का एंटी टेररिज्म यूनिट है। हालांकि बाद में इमरान खान ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। यूपी पुलिस ने भी कहा है कि वीडियो मई 2013 में बांग्लादेश के ढाका की घटना का है। खबर यह है कि जेएनयू में हंगामा करने वाले छात्रों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन कार्रवाई करेगा। छात्रों पर अनुशासन तोड़ने और प्रशासनिक कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप है। 3 जनवरी को करीब 40 छात्रों का एक गुट मुंह ढककर कैंपस में दाखिल हुआ और एडमिन ब्लॉक के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिस में ताला जड़ दिया। उसके बाद ये छात्र वहीं पर धरने पर बैठ भी गए। आरोप यह है कि इन छात्रों ने जेएनयू का वाईफाई डाउन कर दिया और वहां की बिजली भी बंद कर दी। स्टाफ को जबरन बाहर निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक छात्रों के हंगामे की वजह से सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित हुई और इसका असर हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ सकता है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, पिछले एक साल से अगर आप देखें तो जेएनयू में इस तरह की घटना लगातार होती रही है। कभी वीसी को बंधक बना लेते हैं ये लोग, कभी रजिस्ट्रार वीसी तमाम अधिकारियों को बंधक बना लेते हैं। हाल में आपने देखा एक प्रोफेसर को इन्होंने बंधक बना रखा था। तो ये घटनाएं लगातार हो रही और एडमिन ब्लॉक खासतौर पर जहां से पूरा चीज संचालित होता है, जहां से छात्रों का भविष्य तय, आप 50 छात्र मिलकर हजारों छात्रों का भविष्य अधर में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जेएनयू प्रशासन ने कल इनको जाकर, आप देखिए तो आप वहाँ एसएचओ जो है इलाके के स्वसंत कुंके, वो जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं एडमिन ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे के बाहर कर सकते हैं। ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में आप देखिए तो बार बार लड़के लड़कियां जो है कह रहे हैं कि आप मोबाइल बंद कीजिए, जबकि वाईफाई कनेक्शन आप बंद करके आ रहे हो, मुंह ढक के आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। कैसे ये लोग हैं, कैसे ये छात्र हैं कि जानबूझकर बाकी जो अपने सहयोगी छात्र हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, इस आधार पर जेएनयू प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। और अभी पिछले एक साल से लगातार इनको कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है इनको सस्पेंड भी किया जाए, इनको जेएनयू से निकालने का प्रोसेस भी किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो हमने देखा, इस तरह से पहले भी विरोध दर्ज किया गया रवि, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि ये आगे भी तो हो सकता है, क्योंकि पहले भी अगर इस तरह की कार्रवाई छात्रों पर की गई है तो उसके बाद भी छात्रों ने इस तरह से अंजाम दिया अपने विरोध के चलते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छात्र हैं इनकी संख्या लगभग 100, 200, 300 के आसपास है, और जेएनयू के अगर पूरे छात्रों की बात करें तो लगभग 8000 के आसपास की कैपेसिटी है जेएनयू के छात्रों की। तो तमाम छात्र ये भी शिकायत जेएनयू प्रशासन से कर रहे हैं, इसी से भी हमारी बात हुई है, जो वाइस चांसलर हैं उनका कहना है कि तमाम छात्र इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग सफर कर रहे हैं, बाकी का एकेडमिक प्रोसेस सफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको आधार बनाकर अब जेएनयू प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेगा कि आप 100, 200, 300 जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं इनके चक्कर में पूरे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, उनका एग्जामिनेशन लेट होता है, उनका सारा प्रोसेस लेट हो रहा है जी। और चाहे जो भी हो, लेकिन इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक जितनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि नागरिकता कानून के फैसले से तो पीछे नहीं हटेगी सरकार। बीजेपी ने नागरिकता कानून के समर्थन के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि चाहे सारा विपक्ष नागरिकता कानून के खिलाफ एकजुट हो जाए, लेकिन बीजेपी इस फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। से आपको नागरिकता मिलने वाली है, आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं आने वाली। जोधपुर में नागरिकता कानून पर जन जागरण रैली में अमित शाह ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने इस कानून को नहीं पढ़ा है तो वो इटालियन में ट्रांसलेट कर भेज सकते हैं। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूँ।
अमित शाह ने जोधपुर में नागरिकता कानून के समर्थन के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अमित शाह ने लोगों से 8862 पर मिस कॉल करके नागरिकता कानून का समर्थन करने की अपील की है। गृह मंत्री ने जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मुलाकात भी की। जागरूकता अभियान के तहत बीजेपी घर घर जाकर नागरिकता कानून पर लोगों से बात करेगी। बीजेपी 5 जनवरी से घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली में अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। विपक्ष इस कानून के विरोध के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकता कानून को लेकर 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सहित 11 मुख्यमंत्रियों को लिखे खत में पिनराई विजयन ने कहा है कि हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता हमारे मूल्यों की रक्षा और संरक्षण के इच्छुक सभी भारतीयों का एकजुट होना समय की मांग है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सिलीगुड़ी में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान ममता ने शपथ ली कि वो किसी भी सूरत में नागरिकता कानून और एनआरसी का समर्थन नहीं करेंगी। इस दौरान ममता ने नागरिकता कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान वाले बयान पर जवाब दिया और पूछा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से देश की तुलना क्यों करते हैं। ममता ने पूछा, मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के राजदूत। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमापुर इलाके में 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद भड़के दंगे में 15 से ज्यादा बांग्लादेशी शामिल थे। हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने यह खुलासा किया है। हिंसक प्रदर्शन में शामिल बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से सीमापुर इलाके में रह रहे थे। पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है। एसआईटी ने सोमवार को इस मामले की जांच का काम संभाला है। अब एसआईटी तिहाड़ जेल जाकर हिंसा के मामले में गिरफ्तार करीब 55 आरोपियों से पूछताछ करेगी। दिल्ली दंगे में पीएफआई के करीब 15 कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं, जिनसे जल्द पूछताछ हो सकती है। इन लोगों के मोबाइल फोन कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। दिल्ली दंगों के लिए हुई फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के भी कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिनका खुलासा भी जल्द एसआईटी करेगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों को लेकर देश के कई राज्यों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में हुई हिंसा में पीएफआई की भूमिका का पता चला था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी मांगी थी। उत्तर प्रदेश में हिंसा को लेकर योगी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है।